आपके सुझावों की इस वर्ष के बजट में बहुत अहम भूमिका रही है और आपने भी जब बजट देखा होगा तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि आपके सुझावों को आपके विचारों को इसमें समाविष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया है। वो काम तो हो गया, अब जो आज का ये संवाद है, ये संवाद कृषि सुधारों और बजट के प्रावधानों को हम आगे बढ़ाएं, तेजी से आगे बढ़ाएं, लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचे, निश्चित समय सीमा में करें और बड़ी एफिशिएंसी के साथ करें और फिर भी सबको जोड़ करके करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का परफेक्ट नमूना, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट नमूना, ऐसा हम आज की चर्चा से निकालना चाहते हैं। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी आज हमें उनके विचारों का भी लाभ मिलने वाला है और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बजट में कृषि के लिए जो किया गया है उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप इन सारी बातों से परिचित हैं। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1,000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है जिसको हमने आगे बढ़ाया है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया हो। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी
और अपनी तेजी को बढ़ाना है। साथियों, अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इतने दशकों में उसने प्रोसेसिंग का बहुत विस्तार किया है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है। किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले, खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के करें और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रोबेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना कैसे हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाए, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर है में से एक है, लेकिन प्रोसेस फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस्ड फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है। यह स्थिति हमें बदलनी होगी। साथियों, इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फल सब्जियां हो, सी फूड हो, मोजारेला चीज हो, ऐसे अनेक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साथियों, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का
सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 275 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। साथियों, देश भर के जिलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसी तरह आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम के तहत लाखों छोटी फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मदद की जा रही है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूनिट्स लगाने तक आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए। देश के छोटे किसान ट्रैक्टर, पराली वाली मशीनें या फिर दूसरी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है? आज जब हवाई जहाज तक एयरलाइंस को घंटों के आधार पर किराए पर मिल जाते हैं, तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार देश में किया जा सकता है। किसान की उपज मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रक एग्रीगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था। इसका विस्तार खेत से मंडी या फैक्ट्रियों तक, खेत से किसान रेल तक ये कैसे हो सके, इस पर हमें काम करना होगा। खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉयल टेस्टिंग का है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं।